हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स पोर्टल पर एक बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव बहुत हद तक अच्छा भी है। यहाँ जो बदलाव किया गया है वो AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि रिटर्न फाइल करते समय आपको AIS ज़रूर चेक करनी है और AIS चेक करके उसको रिटर्न के साथ मैच करना है, उसके बाद रिटर्न फाइल करना है, जिसकी वजह से आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता था या कोई और नोटिस आ जाता था अगर लास्ट ईयर में आपने अपनी ITR AIS के अकॉर्डिंग फाइल नहीं की थी। तो यहाँ पर पोर्टल पर चेंज कर दिया गया है। इस चेंज के बाद इनकम टैक्स नोटिस पे एक लगाम लगेगी और लोगों को पता चलेगा कि उनको AIS भी देखना है। इससे पहले लोग 26AS को ही जानते थे, 26AS को ओपन करा, उसको देखा, उसके अकॉर्डिंग अपनी ITR फाइल कर देते थे। अपनी ITR सबमिट करने के बाद उनको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता था, लेकिन उनको मालूम नहीं चलता था ये नोटिस क्यों आया है। उनको पता ही नहीं कि उनको AIS स्टेटमेंट को भी देखना है और AIS के अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन सी ITR फाइल करेंगे, 1, 2, 3 या 4। क्या चेंज किया है, तो चलिए अकाउंट में लॉगिन करते हैं। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आता है। अब इन्होंने क्या किया, AIS स्टेटमेंट को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। पहले क्या होता था कि हम सर्विसेज का टैब ओपन करते थे तो हमको यहाँ अंदर AIS मिलता था, लेकिन अब ये AIS स्टेटमेंट आपको ऊपर ब्लू लाइन में मिल जाएगा। AIS स्टेटमेंट में हमको क्या मिलता है कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है, हमारा पैन और आधार जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो सारी इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाती है, वो आपके AIS में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो AIS के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर आप 20AS के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, AIS को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा। या इन केस अगर आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं आ सकता है, आपको 2-3 साल बाद भी नोटिस आ सकता है। आपकी ITR IAS के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही है, आपके पास अपनी ITR रिवाइज करने का फिर ऑप्शन नहीं होगा, तो बेहतर ये है कि अभी आप अपने AIS को चेक करें और उसके अकॉर्डिंग ही आपको कौन सी ITR फाइल करनी है वो देखें। तो कौन सी ITR फाइल करने के लिए आप एलिजिबल हैं, अगर आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो ITR 2 फाइल करें, शेयर्स में ट्रेडिंग की हुई है तो आप ITR 3 फाइल करेंगे, अगर सेक्शन 194S जो वीडियो के लिए है या क्रिप्टो के लिए है या डिजिटल असेट्स के लिए, उसमें आपका TDS डिडक्ट हो रहा है या उसमें आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अकॉर्डिंगली ITR 2 या ITR 3 फाइल करेंगे। बिजनेस रिसिप्ट है आपकी AIS में जिस पर TDS डिडक्ट हो रहा है सेक्शन 194J में या सेक्शन 194H में, तो आप ITR 4 फाइल करेंगे। तो ऐसा नहीं है अगर सैलरी से इनकम आ रही है तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल हो। अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि सैलरी के साथ साथ और कहां से आपकी इनकम आ रही है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी ITR को चूज़ करेंगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, शेयर करना बहुत ज़रूरी था, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, आगे बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू सो मच।